वेलकम बैक टू योर चैनल त्रिपिटक या विद्यार्थी। स्टार्ट करते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में हम लोगों को क्या क्या देखना है, तो टोटल चार चीज ही देखना होता है, ठीक है। तो देखिएगा, पहला, कोई भी जब हम लोग पढ़ते हैं, किसी भी टॉपिक को जब हम पढ़ते हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं कि उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था, यानी ऐतिहासिक पक्ष उसका क्या था, ठीक है। तो ऐतिहासिक पक्ष का मतलब क्या होता है और इसको जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि सुनिएगा, जब हम लोग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बिहार पढ़े थे, तो हम लोग उसको कोरिलेट करने के लिए, उसको एक दूसरे से सारे पहलुओं को जोड़ने के लिए हम लोग उसके ऐतिहासिक पक्ष के बारे में पढ़े थे, है ना, पूरे भारत के संदर्भ में भी देखे थे, है ना। तो इसी वजह से आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये बिहार से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि उसका तो एक वीडियो बन ही चुका है। ये इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया है, ये पूरा का पूरा भारत के ही संदर्भ में रहेगा, ठीक है। अब मान के चलिए कोई भी मूवमेंट स्टार्ट हुआ, जैसे जैसे आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो गया, जैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो गया, जैसे स्वदेशी मूवमेंट हो गया, चाहे किसी भी प्रकार का मूवमेंट अगर स्टार्ट होता है, किसी भी प्रकार का आंदोलन अगर स्टार्ट होता है, तो जाहिर सी बात है कि उसके पीछे कुछ कारण होते हैं और उन्हीं कारणों के वजह से हम लोग आगे चल के आंदोलन देखते हैं या किसी तरीके का विद्रोह देखते हैं। अब इस बात को समझिएगा, पहली बात कि मूवमेंट, मूवमेंट मतलब मूवमेंट या आंदोलन, इसको हम हिंदी में आंदोलन कहते हैं और रिवॉल्ट को हिंदी में हम लोग विद्रोह करते हैं कहते हैं, ठीक है, विद्रोह कहते हैं। मगर आपको बता दें, इन दोनों में फर्क है। आंदोलन का मतलब होता है जब हम लोग एकजुट होकर के किसी चीज कोई डिमांड करते हैं सरकार के, ये नहीं कि हम लोग सरकार को नापसंद कर रहे होते हैं। देखिए, यहाँ पे हम सेम सरकार, यानी जो गवर्नमेंट है, ठीक है, उसी को रहने देना चाहते हैं, मगर उसके साथ मिलकर कुछ काम करना चाहते हैं, ठीक है, साथ मिलकर कुछ काम करना चाहते हैं, और नहीं तो उससे कुछ कुछ डिमांड करते हैं, जैसे मेरा टैक्स माफ कर दो, किसानों का टैक्स कम कर दो, ये सब डिमांड करते हैं। तो ऐसे इस टाइप के जो अपसर्ज होता है, इस टाइप का जो मास का जो एकत्रित होना होता है, तो इसको हम लोग मूवमेंट कहते हैं, ठीक है। मगर अगर कई सारे लोग एकत्रित हो जाएं और ये कहें कि हम क्या करेंगे, प्रधानमंत्री, जो भी प्रधानमंत्री हो, जैसे मान के चलिए श्रीलंका में राजपक्षा ये लोग जो था, तो उसको उसको क्या किया, पीट पाट के लोग बोला कि जिसके घर में कूद जाएंगे, फोड़ तोड़ देंगे, इसी को हटा देंगे हम, ठीक है। तो रिवॉल्ट, विद्रोह जो होता है ना, वो सरकार के खिलाफ होता है, ठीक है, और उसमें झगड़ा झंझट मारा पीटी भी होता है, ठीक है। मगर मूवमेंट जो होता है, मूवमेंट जो होता है वो किसी सरकार के खिलाफ नहीं होता है, वो सरकार की नीतियों के खिलाफ होता है। एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, जैसे श्रीलंका में हम लोग देखें कि वहां के जो लोग हैं वो एकदम टूट पड़े, एकदम जैसे प्राइम मिनिस्टर का जो ऑफिस है वहां पे चले गए, उसके घर में कूद गए और एक तरीके से आदिमानव काल के जमाने का हरकत करने लगे, है ना। बट वही अगर हम अपने किसान आंदोलन, अगर भारत में किसान आंदोलन देखे या किसी तरीके का कोई रिवॉर्ड, कोई भी डिमांड लोग जो करते हैं, जैसे पहलवान संगठन एक बार डिमांड किया, तो वो लोग एक जगह बैठ जाते हैं और चुपचाप से अपने डिमांड के बारे में बात करते हैं और सरकार के उस नीति का बुराई करते हैं, उस पॉलिसी का बुराई करते हैं जो किसान को अफेक्ट कर रहा है, पॉलिसी का बुराई करते हैं। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट का ही बुराई करने लगते हैं या गवर्नमेंट में जो हेड है, जो गवर्नमेंट में ऊंचे पोस्ट पे है, उसको जाके पीटने लगे या उसके घर में घुस के उसको बहुत पीटना पीटना चालू कर दिए, ठीक है। तो ये चीज है, तो यहाँ पे ये क्लियर है कि मूवमेंट क्या होता है और रिवॉल्ट क्या होता है। मूवमेंट गवर्नमेंट के पॉलिसी के खिलाफ होता है, रिवॉल्ट गवर्नमेंट के ही खिलाफ होता है। रिवॉल्ट में ज्यादातर वायलेंस हो जाता है, ठीक है, और आप देखेंगे कि मूवमेंट में वायलेंस नहीं होता है या ना के बराबर होता है, ठीक है। चलिए, और ज्यादातर मूवमेंट के केस में आपको एक और बात बता दें, सरकार की तरफ से वायलेंस वाला जो अप्रोच है वो अपनाया जाता है, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग बात करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड।
मतलब वो क्या क्या कारण थे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी हम कह सकते हैं और इसको हम एक और नाम दे सकते हैं रीजंस, ठीक है। क्या क्या कारण थे कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लाना पड़ा, ठीक है। तो देखिएगा, सबसे पहले अगर आपको पता हो, तो साइमन कमीशन से रिलेटेड है ये मूवमेंट, यानी साइमन कमीशन में जो भारतीयों को इज्जत नहीं दिया गया, साइमन कमीशन में 7 लोग थे, 7 के 7 आए थे किस लिए, तो भारत के लोगों के लिए रूल बनाने आए थे, और उसमें एक भी भारतीयों को नहीं रखा गया था, और इस कारण से साइमन कमीशन वाले इस कारण से भारत के लोगों का थोड़ा सा ईगो हर्ट हो गया, ठीक है। साइमन कमीशन में एक भी हम लोग मेंबर नहीं बने तो भारतीय नेता का ईगो हर्ट हो गया। अब देखिएगा, तो यहां से स्टार्ट होता है, रीजन। तो जो पहला रीजन है आपके पास, तो वो साइमन कमीशन की बात हो रही है कि साइमन कमीशन में हम लोगों को मेंबरशिप नहीं मिला, यानी इंडियन मेंबर नहीं थे, ये पहला कारण है। और यहीं से कहीं ना कहीं शुरू हो जाता है कि अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। देखिएगा ध्यान से, साइमन कमीशन जो कि भारत के लिए नियम बनाने आया था, उसमें एक भी भारतीय नहीं था, ठीक है। तो अब यहां पे हम देखते हैं कि सबसे पहले 1927 के मद्रास सेशन में, या मद्रास अधिवेशन भी इसको कहते हैं, ठीक है, मद्रास अधिवेशन में, ठीक है। और ये एमए अंसारी की अध्यक्षता में हुई थी, ये जो सेशन हुआ था, ये सेशन एमए अंसारी के अध्यक्षता में हुआ था, ठीक है। तो साइमन के बारे में हम लोगों को पता चला कि साइमन आ रहा है, 7 लोग है, और कब आ रहा है, मतलब नवंबर 1927 में वो चल दिया था ब्रिटेन से। साइमन एंड ग्रुप कब चला था, 1927 ऑफ नवंबर, ठीक है। और हम लोग को पता चल गया कि उसमें 7 टोटल मेंबर हैं और इन 7 मेंबर्स में से एक भी इंडियन नहीं है। इसी कारण से दिसंबर 1927 के मद्रास सेशन में एमए अंसारी की अध्यक्षता में, प्रेसिडेंटशिप में, ठीक है, हम लोगों ने कहा कि साइमन नहीं आना चाहिए, यानी हमने कहा कि जब साइमन आएगा तो हम लोग बॉयकॉट करेंगे, ठीक है। इसके साथ क्या हुआ, तो इसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि अब हम लोग देखेंगे कि फरवरी 1928 ईस्वी में, फरवरी 1928 एडी में आपका साइमन आ गया। सबसे पहले साइमन एंड कंपनी कहाँ आया था, बॉम्बे में आया था। ठीक है। तो जब ये आ गया तो हम क्या देखते हैं कि एक मीटिंग होता है, ठीक है, सभी कांग्रेस वर्कर्स जो थे वो लोग मिलते हैं, उसमें मोतीलाल नेहरू एंड ऑल, एक भी मत, ऐसा मत कहिए कि सिर्फ मोतीलाल नेहरू, जितने भी कांग्रेस के लीडर थे, जितने भी मुस्लिम लीग के लीडर थे, सभी लोग मिल जाते हैं, ठीक है, सभी लोग एक जगह आकर के मिलते हैं कांग्रेस में। ये और ये सभी लोग किस दिन मिलते हैं, तो ये फरवरी के महीने में, यानी फरवरी 1928 में ही मिलते हैं। साइमन कब आया है, 3 फरवरी 1928 को ही आया है, ठीक है। तो ये सभी लोग एक दूसरे से मिलते हैं, जितना भी कांग्रेस मेंबर है, जितने भी मुस्लिम लीग के मेंबर्स हैं, सभी लोग मिलते हैं और सभी लोग आपत्ति जताते हैं, कि ये गलत है। कारण दो है, एक तो बात समझिए, एक तो कि हम लोग भारतीय हैं और एक भी भारतीय को मौका नहीं मिला, दूसरा ऐसे भी कुछ लीडर थे जो अपना फायदा देखते थे। जैसे अगर हम बात करें तो जिना, अगर हम जिना की बात करते हैं, है ना, तो ये पाकिस्तान का जब डिमांड किए जिस समय, तो आप बताइए कि पाकिस्तान का डिमांड, आपको नहीं लगता है कि ये इनका पॉलिटिकल माइंडसेट था, है ना, ये इनका पॉलिटिकल माइंडसेट था, एक तरीके से पॉलिटिकल एजेंडा था, ठीक है। तो शुरू से ही वही फूट डालो शासन करो ये लोग भी सीख लिए थे, जो भारत के कुछ नेता जो थे वो लोग भी सीख लिए थे कि अगर हम फूट डालेंगे तो हम भी शासन कर पाएंगे, ठीक है। तो पहला कारण तो ये था कि किसी नेता को
नहीं मिला तो एक नेशनलिज्म है ना, राष्ट्रवाद पे भी प्रहार हुआ कि अगर कोई विदेशी हमारे लिए नियम बनाएगा तो वो उतना अच्छा कैसे बना सकता है, हम लोग भारतीय हैं तो हम लोग भारत के लोगों के बारे में ज्यादा अच्छा सोच सकते हैं। और दूसरा जो अच्छे नेता थे वो लोग ऐसा सोचेंगे कि हम भारतीय हैं, हम अपने लोगों के बारे में ज्यादा अच्छा सोचेंगे। जो कुछ ऐसे नेता थे जो थोड़े कनिंग थे, जो पावर और पोस्ट के पीछे भागते थे, ठीक है, तो वो लोग क्या सोचेंगे, वो लोग सोचेंगे कि अरे यार हमको तो मौका ही नहीं मिला, नहीं तो इसमें हम जाकर कुछ कुछ अपना इंग्लिश पढ़ते और एक नियम बन जाता, मेरा भी नाम हो जाता, थोड़ा बहुत हम भी फेमस हो जाते। तो दोनों ही कारण कह सकते हैं। अब देखिए तो कुल मिला जुला करके क्या हुआ कि जितने भी लोग थे भारत के, जितने भी लीडर्स थे, ये सारे लोग फरवरी में मिले और ऐसे ही करते करते मई में मिले, फिर अगस्त में मिले और इसी बीच में ये चल रहा है 1928 ही चल रहा है, ठीक है। और इसी बीच में आप देखेंगे कि मोतीलाल नेहरू अपने बेटे जवाहरलाल नेहरू और बाकी कुछ लोगों के साथ गवर्नर से मिलने जाएंगे, गवर्नर जिसको कि अब क्या कहा जाता है, तो अब हम लोग इसको वाइसरॉय भी कहते हैं, ठीक है, इस टाइम पीरियड में। तो ये जो है इनका नाम था बर्केनहेड, ठीक है, इनका नाम क्या था, बर्केनहेड। तो जब बर्केनहेड से मिलने कौन जाता है, मोतीलाल नेहरू और जेएल नेहरू एंड कंपनी कर लीजिए, और भी कुछ लोग साथ गए थे, ठीक है। और वो जाके जब मोतीलाल नेहरू ये कहते हैं बर्केनहेड से कि देखिए ये तो बिल्कुल ही गलत गलत हो रहा है, ये लोग पहले आपस में मीटिंग कर लेते हैं और मीटिंग के बाद ये कहां जाते हैं, मिलने जाते हैं बर्केनहेड से और कहते हैं कि ये बिल्कुल गलत हो रहा है गवर्नर या वाइसरॉय, आप समझिए हम लोग लीडर हैं इंडिया के और हम भारत के लोगों के बारे में ज्यादा अच्छा पहचान सकते हैं, उनके प्रॉब्लम्स को हम भारत के लोगों के लिए ज्यादा अच्छा काम कर सकते हैं, अच्छा नियम बना सकते हैं। तो आप जो ये साइमन कमीशन बनाए हैं जो कि भारत के नियम बनाने के लिए आया है, तो उसमें क्या करना है, उसमें या तो आप क्या कीजिए, तीन भारतीयों को शामिल कर लीजिए, कम से कम क्या कीजिए, तीन भारतीयों को शामिल कर लीजिए, या फिर ये साइमन टाइमन हटाइए, हम ही लोग का ग्रुप बना दीजिए, हम लोग खुद ही से बना लेंगे नियम, ठीक है। तो ये एक नियम आता है, ये प्रस्ताव कौन देता है, मोतीलाल नेहरू देते हैं, किसको देते हैं, तत्कालीन गवर्नर या वाइसरॉय बर्केनहेड को, ठीक है, बोलने के लिए गवर्नर बोलते हैं बट उस समय इस पोस्ट का नाम वाइसरॉय हो चुका था, ठीक है। तो तत्कालीन वाइसरॉय बर्केनहेड को कौन बोलता है, मोतीलाल नेहरू बोलते हैं। एक तरीके से समझिए मोतीलाल नेहरू उनको सजेस्ट करते हैं कि देखिए प्लीज आप बात मानिए, हम लोग खुद नियम बनाने दीजिए हम लोग को, और नहीं तो इसी साइमन कमीशन में 300 इंडियन को घुसाइए, ठीक है। अब देखिएगा गवर्नर क्या करता है, गवर्नर एक चाल चलता है, गवर्नर यहाँ के प्रॉब्लम्स को जानता है, जो वाइसरॉय था ये बर्केनहेड जानता है कि हम लोग कितने ज्यादा घुल मिल के रहते हैं, बर्केनहेड जानता है कि हम लोग एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। तो यहाँ पे बर्केनहेड एक चाल चलता है और वो कहता है कि ठीक है मोतीलाल नेहरू, आप क्या कीजिए, आप जाकर के एक रिपोर्ट बनाइए, मतलब आप तैयार तो कीजिए पहले, फॉर्मूला बनाइए कि किस तरीके से आप नियम बनाएंगे, ठीक है, और जो आप नियम लिखेंगे ना उसको कांग्रेस से, पूरे जो कांग्रेस है पूरा का पूरा कांग्रेस उससे साइन करवा लीजिएगा, ठीक है, पूरा का पूरा कांग्रेस से साइन करवा लीजिएगा। अब आपको तो पता होना चाहिए कि जो कांग्रेस है 1916 में लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग क्या हो गया था, साथ हो गया था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग ये जो दो पार्टियां थी ये जुड़ चुकी थी आपस में, ये साथ में थी। और बर्केनहेड क्या बोला है, दोनों लोग का साइन चाहिए, पूरा का पूरा जो आप लोग का मंडली है उसका साइन चाहिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे ये गेम कर गया और तब जब नेहरू, मोतीलाल नेहरू जी खूब खुश हो गए कि हम लोग को मौका मिल रहा है रिपोर्ट बनाने का, एक ऑर्डर, एक फॉर्मूला तैयार करने का,
जिसपे हम लोग नियम बनाएंगे। किस किस चीज पे हम नियम बनाएंगे? नेहरू रिपोर्ट क्या था? नेहरू रिपोर्ट था कि बर्केनहेड कह रहा था कि तुम बताओ किस किस चीज पे तुम नियम बनाओगे, ठीक है। और वो सारा पॉइंट जो वो दिए, उसी पॉइंट को हम लोग क्या कह दिए? नेहरू रिपोर्ट कह दिए। उसी पॉइंट को हम लोग क्या कह दिए? सारे पॉइंट्स को मिला करके एक रिपोर्ट दिए। नेहरू जी, मोतीलाल नेहरू जी, सारा बहुत सारा पॉइंट लिखे कि ये बात पे हम नियम बनाएंगे। और ये सारा नियम लिख करके, सारा बात इस पे नियम बनाएंगे, एक रिपोर्ट तैयार हुआ। और ये रिपोर्ट उनको साइन कराना था सभी लोगों से, और जाकर के किसको दे देना था? बर्केनहेड को दे देना था, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग नेहरू रिपोर्ट पे चर्चा करेंगे। और नेहरू रिपोर्ट में यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो दूसरा कारण है वो फेलियर ऑफ नेहरू रिपोर्ट है, है ना। नेहरू रिपोर्ट का जो फेलियर होता है यहाँ पे, ठीक है, वो दूसरा कारण है, ठीक है। तो अब हम लोग नेहरू रिपोर्ट को समझेंगे। आपका रीजन है, दूसरा रीजन कि क्यों आया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, तो उसका दूसरा रीजन क्या है? तो फेलियर ऑफ नेहरू रिपोर्ट। तो अब आपको पता करना पड़ेगा कि ये नेहरू रिपोर्ट क्या है। आपको क्या पता करना पड़ेगा? नेहरू रिपोर्ट क्या है, नेहरू रिपोर्ट क्या है। तो देखिएगा, सबसे पहले हम लोग देखते क्या है कि 1928 के समय में ही, ठीक है, 1928 के समय में, अगस्त 1928 ये सब के समय में ये नेहरू रिपोर्ट तैयार करने के लिए जाते हैं। और यहाँ पे ये क्या क्या, कौन है ये नेहरू, कौन वाले नेहरू जी हैं? मोतीलाल नेहरू जी हैं। इसमें बहुत सारे लोग अपना सजेशन देते हैं, बट इसका एक समझ लीजिए कि इसके लीडर, इसको लीड कौन कर रहे होते हैं, इस रिपोर्ट को बनाने में जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं वो मोतीलाल नेहरू कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि बर्केनहेड इन्हीं को बोला था ना कि जाकर के सबसे साइन करवा लीजिए, इसीलिए, ठीक है। तो इसीलिए इस रिपोर्ट का नाम पड़ गया नेहरू रिपोर्ट, ठीक है। तो देखिएगा, बर्केनहेड क्या कहा था? बर्केनहेड कहा था कि तुम लोग बताओ अगर नियम बनाओगे तो किस किस चीज पे बनाओगे। तो ये देखिए, उन्होंने कहा कि हम नियम बनाएंगे कि रिलीजन को हम क्या कर देंगे, किसी भी धर्म को हम सेपरेट कर देंगे। देखिएगा, किसी भी धर्म को हम सेपरेट कर देंगे फ्रॉम पॉलिटिक्स, ठीक है। मतलब ये जो कभी मुस्लिम के नाम पर सेपरेट इलेक्टोरेट मिल जा रहा है, कभी क्रिश्चियन के नाम पर सेपरेट इलेक्टोरेट मिल जा रहा है, तो कभी किसी धर्म के किसी चीज को बंद किया जा रहा है, किसी धर्म के किसी चीज को बंद किया जा रहा है। हालांकि ये बात सही है कि कुछ कुरीतियां थी हिंदू धर्म में, उसको अंग्रेजों ने सही किया, खत्म कर गए, चाहे वो विधवा विवाह हो या फिर आपका जो है सती प्रथा हो, ये सब जो है विधवा विवाह को जो मान्यता मिला है ना, नर बलि प्रथा को जो खत्म किया गया कि बलि चढ़ा देंगे भगवान पे, है ना। अगर इतना ही बलि चढ़ाने का शौक है तो खुद को काट के चढ़ा दो और खुश हो जाएंगे भगवान जी, है ना। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि कुछ जो चीजें थी रिलीजन में, जो कल्चरल कुरीतियां थी, सदियों से चली आ रही थी, अंग्रेजों ने उस पे प्रहार किया और कुछ भारतीयों के मदद से वो उनको खत्म कर सके, ठीक है। बट जो वो लोग रिलीजन, धर्म के नाम पर जो हिंसा फैलाते थे, धर्म के नाम पर जो बांटने का कोशिश करते थे, मोतीलाल नेहरू जी उसी चीज को कह रहे हैं कि राजनीति से हम रिलीजन को अलग रखना चाहते हैं। आप समझ रहे हैं? देखिए, यहाँ पे हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो धर्म है, धार्मिक कुरीतियां जो थी उसको जो अंग्रेज हटाए, नेहरू, मोतीलाल नेहरू जी उसकी बुराई या उसकी निंदा नहीं कर रहे हैं। तो क्या वो बोलना चाह रहे हैं? वो बोलना चाह रहे हैं कि जो रिलीजन में जो लड़ाई होता है, रिलीजन के वजह से, इसको आप ये भी कह सकते हैं इसके वजह, ये कम्युनलिज्म, ठीक है, कम्युनल राइट्स होता है, ठीक है, धर्म के नाम पे दंगा फसाद होना, ठीक है, और धर्म के नाम पर अपना बांट बांट करके अपना रोटी सेकना, तो इसको, इसके वजह से ये कह रहे थे। कई लोग अपना पॉलिटिक्स, अपनी राजनीति को बढ़ाने के लिए दो धर्मों के लोग में लड़ाई करवा देते हैं। तो इसी वजह से वो कह रहे थे कि हम कुछ ऐसा नियम बनाएंगे कि जो धर्म है,
और राजनीति है वो अलग अलग रहेगा, ठीक है। फिर उन्होंने कहा हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज लाएंगे। ये क्या होता है उसको भी समझ लेते हैं। हम क्या लाएंगे? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब सार्वभौमिक, इसको हिंदी में कहते हैं सार्वभौमिक मताधिकार, ये लेकर के हम आएंगे सार्वभौमिक मताधिकार। और यहां पे देख लीजिए कम्युनलिज्म का मतलब होता है एक तरीके से धार्मिक कट्टरता, हालांकि इसको आप रियलिटी में कहेंगे धार्मिक विवाद जो होता है ना, एक पक्ष दूसरे पक्ष से जब लड़ता है तो इस तरीके का, इसको आप और भी नाम दे सकते हैं धार्मिक असहिष्णुता, इन सभी चीजों को आप कम्युनलिज्म कह सकते हैं, ठीक है। चलिए तो सार्वभौमिक मताधिकार यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पे हम नियम बनाएंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि पहले से ही हमारे पास कुछ वोटिंग राइट्स थे बट कुछ लोगों के नहीं था, जैसे विमेन को उतना अधिकार नहीं था, तो विमेन राइट्स के बारे में ये बात की है कि हम लोग विमेन राइट्स पे नियम बनाएंगे, ठीक है। और उन्होंने कहा कि बाकी जो चीजें हैं जैसे आपका जो मजदूर वगैरह है ना, किसान वगैरह, यानी बहुत सारी जनहित की बातें, उन सभी चीजों पे हम नियम बनाएंगे। बेसिकली जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, मार्जिनलाइज्ड मतलब वो समाज का वह हिस्सा, समाज के वे लोग जो पीछे छूट गए हैं, जो हाशियाकरण पे हैं, हाशियाकरण मतलब होता है पीछे छूट गए हैं, है ना, तो उनके लिए हम अलग अलग उन लोगों पे हम नियम बनाएंगे। तो ये सारा बात कौन कहे? नेहरू रिपोर्ट में मोतीलाल नेहरू लिखे कि इन सारी चीजों पे हम नियम बनाएंगे, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे एक बात और लिखा था कि हम लोग सेपरेट इलेक्टोरेट, ध्यान में हमको नहीं है बट इसका मतलब यह होता है कि धर्म के नाम पर जो विशेष प्रतिनिधित्व मिला था, ठीक है, मतलब राजनीति में है ना, जो धर्म के आधार पर विशेष प्रतिनिधित्व मिला था मुसलमानों को और क्रिश्चियंस को भी था, एंग्लो इंडियंस को भी था, तो कई सारे लोगों को था, ऐसा नहीं है सिर्फ मुसलमानों को ही मिला था। ये अलग बात है कि उन लोगों ने पाकिस्तान का जो वो ग्रुप था, कुछ जो ग्रुप थे वो लोग पाकिस्तान का जो डिमांड किए, इस वजह से उन लोगों का ये सेपरेट इलेक्टोरेट ज्यादा फेमस हुआ। तो देखिएगा, तो जो विशेष प्रतिनिधित्व था इसके बारे में वो बोले, मोतीलाल नेहरू बोले कि हम नियम ऐसा बनाएंगे कि हम इसको हटा देंगे, ठीक है, हम ऐसा नियम बनाएंगे ना कि हम इसको हटा देंगे, क्योंकि इसके वजह से एक तरीके से क्या हो रहा है, इसके वजह से डिवाइड बढ़ रहा है, है ना, मतलब हिंदू मुस्लिम एकता पे असर पड़ रहा है, यूनिटी पे असर पड़ रहा है, तो हम इसको हटा देंगे, ठीक है। ये इतने सारे पॉइंट्स थे और इसको एक कागज पे लिख लिया गया और इसी को कहा गया ये रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट किसके द्वारा दिया गया है? तो नेहरू जी के द्वारा दिया गया है। कौन नेहरू जी? मोतीलाल नेहरू जी। तो इसी को क्या कहा गया? मोतीलाल नेहरू के रिपोर्ट को नेहरू रिपोर्ट कहा गया, ठीक है। अब याद कीजिए बर्केनहेड के बारे में। बर्केनहेड कहे थे कि बाबू एक तुम खाका तैयार करो, एक लिस्ट बनाओ कि किस किस चीज पे तुम नियम बनाओगे और उस रिपोर्ट को जाके सबसे साइन करवाओ, सबसे साइन करवाना है, ठीक है, यही ना बर्केनहेड बोले थे। तो अगर सब लोग साइन कर देगा तो हम तुमको क्या देंगे? नियम बनाने देंगे, ठीक है। तो सब लोग में कौन कौन था? कांग्रेस था और मुस्लिम लीग भी तो था। अब आप बताइए मुस्लिम लीग कभी भी इसको खत्म करने देगा, इस सेपरेट इलेक्टोरेट को खत्म करने देगा? नहीं देगा, ठीक है। अब जिना सीधे सीधे तो ये नहीं कहते कि मतलब हम साइन नहीं करेंगे, तो वो क्या बोले? वो बोले कि हम लोग, मतलब मुस्लिम लीग एंड ग्रुप, हम लोग साइन कर देंगे, किस पे? नेहरू रिपोर्ट पे, ठीक है, मगर उसके बदले में, उससे पहले आपको मेरा 14 पॉइंट फॉर्मूला पे साइन करना पड़ेगा। ये 14 सूत्री फॉर्मूला क्या था या 14 पॉइंट फॉर्मूला क्या था,
तो उसमें जीना कुछ कुछ डिमांड किए थे, जैसे मुसलमान के लिए राजनीति में छूट होना चाहिए, मुसलमान के लिए जॉब में छूट होना चाहिए, मुसलमानों के लिए मतलब इतना छूट होना चाहिए जितना किसी, मतलब एक तरीके से समझ लीजिए कि ऐसा डिमांड जो फुलफिल ही ना हो, ठीक है। आलतू फालतू कुछ भी अपना 14 पॉइंट में लिखे, और उसमें जिना के हिसाब से ना तो विमेन विमेन कुछ नहीं, सिर्फ मुसलमान 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 के लिए ये होना चाहिए, मुसलमान के लिए वो होना चाहिए, और वो सिर्फ अपना एक रिलीजन उसी को लेकर के अपना पॉलिटिक्स करते थे और उसी के रिलीजन पे बेस्ड अपना डिमांड किए। पूरा भारत के लिए वो नहीं डिमांड कर रहे थे, वो केवल एक रिलीजन के लोगों के लिए, हमको इतना छूट दे दो, हमको वो भी दे दो, ये भी दे दो, हम लोगों को दे दो सब चीज, ऐसा इसमें डिमांड था, ठीक है। तो जाहिर सा बात है कि 14 पॉइंट फॉर्मूला को कांग्रेस मानेगी, नहीं मानेगी, ठीक है। तो जीना भी क्या नेहरू रिपोर्ट को मानेंगे, नहीं मानेंगे, और जब जीना नहीं मानेंगे तो क्या मुस्लिम लीग का कोई सदस्य मानेगा, नहीं मानेगा। तो नेहरू रिपोर्ट पे किसका साइन हुआ, कांग्रेस का साइन हो गया, यानी मेजोरिटी ऑफ पीपल जो है वो नेहरू रिपोर्ट पे साइन कर दिए। तो नेहरू रिपोर्ट तो पास हुई, मेजोरिटी से पास हुई, बट क्या एकदम पूरा का पूरा एकदम अब्सोल्यूट मतलब वोटिंग इसका हुआ कि जितने लोग थे सभी लोग वोट दे दिए, नहीं हुआ, ठीक है। बर्केनहेड का क्या ये था, उनका टर्म्स एंड कंडीशन ये था कि तुम सबसे साइन करा लेना तभी हम तुम्हारा बात मानेंगे, ऐसा हो नहीं पाया। फिर भी अब आप देखेंगे कि नेहरू को क्या पता चला कि नेहरू रिपोर्ट जो है वो मेजोरिटी से पास हुआ है। कैसे पास हुआ है, पास्ड बाय मेजोरिटी, मेजोरिटी से ये पास हो गया है। ये अलग बात है कि मुस्लिम लीग के लोग इसको नहीं माने हैं, ठीक है। चलिए, तो अगर मेजोरिटी से भी कोई रिपोर्ट पास होता है तो कानूनन अगर आप देखें, जायज तौर पे अगर आप देखें तो ये क्या हो जाता है, पास हो गया अगर मेजोरिटी से, मतलब इसी के आधार पर नियम बनना चाहिए। तो ये क्या किए, मोतीलाल नेहरू बर्केनहेड के पास गए और उनसे मिले और कहे कि मेरा रिपोर्ट पास हो गया है। बर्केनहेड कहा कि नहीं, सिर्फ मेजोरिटी से पास हुआ है, सारे लोग सहमत नहीं है, इसका मतलब है कि अब जो आपका नियम है वो साइमन कमीशन ही बनाएगा। मतलब नियम वो पूरा नियम नहीं बनाएगा, वो ढांचा तैयार करके देगा, ठीक है, और वो वही बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो नेहरू रिपोर्ट है उसको बर्केनहेड इग्नोर कर दिया, उसको नहीं माना। मेजोरिटी से पास हुए इस नेहरू रिपोर्ट को जब बर्केनहेड इग्नोर कर दिया तो जो कांग्रेस के लीडर्स थे उनको ये समझ में आ गया कि ब्रिटिशर्स चाहते ही नहीं है कि हम लोग अपना नियम खुद बनाएं या किसी भी तरीके से किसी भी क्षेत्र में हम लोग स्वतंत्र रहें, ठीक है। क्योंकि आजादी तो वो दे नहीं रहे थे, पूर्ण जो आजादी होता है फ्रीडम, बट कुछ तो आजादी दो यार, अपने लिए नियम बनाने का तो आजादी दो। तो वो भी ये लोग समझ गए कि ब्रिटिशर्स नहीं चाहता है कि हम लोग थोड़ा सा भी ऑटोनॉमी इंजॉय करें, थोड़ा सा भी आजाद रहें अपने किसी भी क्षेत्र में। अब देखिएगा, अगस्त 1928 की बात है, ये क्लियर हो गया कि नेहरू रिपोर्ट काम नहीं किया, ठीक है। तब अगला जो पड़ाव आता है उसमें क्या है, दिसंबर 1928, ठीक है, दिसंबर 1928 का कलकत्ता सेशन, ठीक है, दिसंबर 1928 का कलकत्ता सेशन, ठीक है। ये स्टार्ट हो गया आपका, अब मूवमेंट के तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। देखिएगा, इस कलकत्ता सेशन में अंग्रेजों को सीधे सीधे कहा गया कि आपके पास एक साल का समय है, ठीक है, एक साल का इन लोगों को टाइम पीरियड दिया गया और कहा गया कि नेहरू रिपोर्ट की जो बातें हैं, नेहरू रिपोर्ट के जो पॉइंट्स हैं, उसको क्या किया जाए, उसको विचार किया जाए, उस पे विचार किया जाए, सोचा जाए, नेहरू रिपोर्ट के पॉइंट्स पे विचार किया जाए और सोचा जाए कि क्या क्या, मतलब जो भी उसमें डिमांड्स है उसको फुलफिल किया जाए, ठीक है। और कितने साल में, एक साल के अंदर आप जो है इन डिमांड्स को फुलफिल करिए, ठीक है, कुछ नियम बना के करिए, या तो हम ही लोग को परमिशन दीजिए, नियम बनाया जाएगा, हम लोग खुद बना देंगे, ठीक है। और अगर आप एक साल में नहीं माने, कितने दिन में नहीं माने, एक साल में अगर आप नहीं माने तो हम क्या कर देंगे,
तो हम लोग पूर्ण स्वराज यानी अल्टीमेट स्वराज, अल्टीमेट स्वराज का डिमांड करेंगे कितने साल में, एक साल बाद, अगर आप एक साल में नहीं माने तो। देखिए अभी तक जो डिमांड है वो क्या हो रहा है, हमको नियम बनाने दो कि हम अपने विमेन का रक्षा कर सकें, अपने लोगों की रक्षा कर सकें, है ना, जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उसका रक्षा कर सकें, उसके लिए उसके हित में कुछ बात कर सकें। मगर अब जो डिमांड है ना वो कह रहा है कि अगर ये सारा बात मेरा जो नेहरू रिपोर्ट में लिखा है जो कि मेजोरिटी से पास हुआ है अगर वो बात तुम लोग नहीं मानोगे तो फिर हम लोग एक साल का टाइम देते हैं, उस पर विचार करो, उन सारे चीजों को थोड़ा बहुत डिमांड को फुलफिल करो, ठीक है, और नहीं मानोगे तो अब हम ये नहीं कहेंगे कि हमको नियम बनाने दो ना, उसके लिए नियम बनाने दो, नहीं, तुम अब जाओ यहां से, हमको क्या दे दो, अल्टीमेट स्वराज दे दो यानी पूर्ण स्वराज दे दो, ठीक है, ठीक है। अब आप देखेंगे कि कलकत्ता सेशन का जो डिमांड था, कलकत्ता सेशन का जो डिमांड था, कलकत्ता में कई बार सेशन हुआ है, इसीलिए यहाँ पे आप जब लिखेंगे तो ये लिख देंगे कि 1928 वाले कलकत्ता सेशन के डिमांड की बात हो रही है, जो डिमांड था कि एक साल के अंदर नेहरू रिपोर्ट को कंसीडर किया जाए, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसको कंसीडर करे, ठीक है, वो भी क्या हो गया, फेल हो गया। तो अब स्टार्ट होता है और यहाँ देखेंगे आप कि दिसंबर 1928 में यहाँ पे कलकत्ता सेशन में एक साल का टाइम पीरियड दिया गया था, इसके एक साल बाद आप देखेंगे दिसंबर 1929 आ गया और 31 दिसंबर का दिन था, तारीख इसका याद रखना है क्योंकि इस दिन वही रावी नदी के तट पर और ये सारी चीजें हुई थी, ये दरोगा ये सबका मतलब वनडे एग्जाम में पूछ देता है, ठीक है। तो 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को लाहौर में कांग्रेस का अगला सेशन हुआ, ठीक है, अगला जो अधिवेशन हुआ इसके बाद वो लाहौर में हुआ, तारीख था 31 दिसंबर और 1929, ठीक है। और यहाँ पे क्या देखने को मिला कि हम लोग झंडा फहराए तिरंगा, ठीक है, 12 बजे रात को फहरा दिए और उसके बाद हम लोग क्या किए, हम लोग यहीं पे बोले कि पूर्ण स्वराज का हम डिमांड करते हैं। और ये बोलने वाले कौन थे, ये बोलने वाले थे मोतीलाल नेहरू जी के बेटे जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है, वो बोले, वो क्या बोले कि हम पूर्ण स्वराज का डिमांड करते हैं 12 बजे रात को, ठीक है। और साथ के साथ उन्होंने कहा कि अब हम लोग स्वाधीनता दिवस भी मनाएंगे और वो कब मनाएंगे, तो 26 जनवरी को मनाएंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पे कि ये 1929 चल रहा है तो अगला जो जनवरी है वो 1930 का होगा और 26 जनवरी 1930 को ये लोग स्वाधीनता दिवस मना लेते हैं। अब इसके बाद आगे क्या होगा उसको देखते हैं। 26 जनवरी 1930 को हम लोग स्वाधीनता दिवस मना लेते हैं, ठीक है, और इसको मनाने के बाद कांग्रेस जो है वो क्या सोच रही होती है कि चाहे कुछ भी कर रहे हैं इन लोगों पे यानी ब्रिटिशर्स पे कोई असर नहीं पड़ रहा है तो अब किसी ना किसी तरीके का कोई आंदोलन लॉन्च करना पड़ेगा। और तब क्या होता है, ये लोग जाते हैं कब, फरवरी 1930 में गांधी जी से मिलने जाते हैं, गांधी जी उस समय साबरमती में रहते हैं, ठीक है, और साबरमती आश्रम में जब गांधी जी से ये लोग मीटिंग करते हैं, कांग्रेस वर्किंग कमेटी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी जाके गांधी जी से मिलती है साबरमती में और वो लोग कहते हैं कि देखिए ना तो नेहरू रिपोर्ट को कंसीडर किया गया, ना ही जो हम लोग एक अल्टीमेटम दिए थे एक साल का उसको कुछ कंसीडर किया गया, पूर्ण स्वराज का डिमांड भी कर दिए हैं, कुछ ना कुछ तो करना ना पड़ेगा। तो इस वजह से गांधी जी कहते हैं कि ठीक है हमको एक महीना का टाइम दो, ठीक है, कितने महीने का, एक महीना का टाइम दो और हम कुछ सोचते हैं और तब हम किसी प्रकार का एक आंदोलन लॉन्च करेंगे, ठीक है, तब क्या करेंगे, किसी प्रकार का एक आंदोलन लॉन्च करेंगे। और आप देखेंगे
कि इसके बाद एक महीना बाद 12 मार्च 1930 को गांधी जी एक दिमाग लगाते हैं। उसमें वो क्या दिमाग लगाते हैं इस एक महीना में कि ऐसा किस बात से हम आंदोलन शुरू करें जो कि जिसमें कि मतलब ऐसा कौन सा बात को पकड़ के और हम आंदोलन शुरू करें जिसमें गरीब अमीर सारे लोग उस आंदोलन में इंटरेस्ट लें। क्योंकि अगर हम ये कहें कि नेहरू रिपोर्ट का बात नहीं कोई माना इस वजह से हम आंदोलन शुरू कर रहे हैं, तो आप बताइए क्या नेहरू रिपोर्ट में क्या बात था नहीं बात था ये किसी इलिटरेट यानी किसी अशिक्षित व्यक्ति को पता होगा? क्या किसी अशिक्षित व्यक्ति को ये बात पता होगा कि यहाँ पे नेहरू रिपोर्ट में क्या था क्या नहीं था? दूसरा, किसी इंडियन लीडर को मौका नहीं मिला नियम बनाने का, इससे आम जनता को क्या लेना देना है? उसके लिए तो ऐसे ही बस नियम नियम है, है ना? तो ये भी बात, नेहरू रिपोर्ट को अगर हम लोग आगे रख के और कोई मूवमेंट लॉन्च करते तो उसमें केवल नेता ही पार्टिसिपेट करते, ठीक है, आम जनता को उतना इंटरेस्ट उसमें नहीं रहता। इसीलिए गांधी जी ने क्या किया, वो सोचे कि ऐसा कौन सा टॉपिक हम उठाएं, ऐसा कौन सा टॉपिक हम उठाएं और उस टॉपिक पे हम एक मूवमेंट चलाएं कि वो मूवमेंट में हर कोई इंटरेस्ट ले। जैसे, और वो क्या लिया, वो कौन सा टॉपिक उठाएं, वो नमक को उठाएं और बोले हम इसी पे मूवमेंट चलाएंगे। क्यों? क्योंकि नमक अमीर भी जानता है, नमक गरीब भी जानता है, दोनों के लिए वो उतना ही महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, नमक शिक्षित लोग भी जानते हैं, नमक अशिक्षित लोग भी जानते हैं नमक का क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है। तो इस कारण से गांव से लेकर शहर तक, है ना, पढ़े लिखे से लेकर के अनपढ़ तक, हर किसी के लिए जो नमक है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट मतलब एस्पेक्ट ऑफ लाइफ है, ठीक है, और इसी मतलब बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ, तो उसको लेकर के गांधी जी स्टार्ट करते हैं आपका सत्याग्रह। और उस सत्याग्रह का नाम पड़ता है नमक सत्याग्रह। और ये कंप्लीट जब होता है तब स्टार्ट होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। जब नमक सत्याग्रह यानी नमक कानून जब वो तोड़ देंगे उसके बाद ही ना बोलेंगे कि अब हम लोग किसी का बात नहीं सुनने जा रहे हैं और अब हम अवज्ञा करेंगे, बट इज्जत के साथ अवज्ञा करेंगे। तो इसीलिए उसका नाम पड़ता है सविनय अवज्ञा आंदोलन या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। तो अब आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पता चल चुका है। इसमें कई सारा ऐसा टॉपिक है जैसे नेहरू रिपोर्ट, उससे भी वन डे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, और भी साइमन कमीशन कब आया कब चला वहां से इससे भी आ सकता है, उस समय तत्कालीन गवर्नर कौन थे, बर्केनहेड थे, वो भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और यहाँ पे जो मूवमेंट है, जो सीडीएम है, वो किसके बाद आया, तो सॉल्ट सत्याग्रह जैसे ही कंप्लीट होता है उसके बाद सविनय अवज्ञा स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सॉल्ट सत्याग्रह ही सविनय अवज्ञा है, पहले वो सॉल्ट सत्याग्रह कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद वहां पे अनाउंस करते हैं कि हम लोग एक आंदोलन स्टार्ट कर रहे हैं जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, ठीक है। हालांकि नॉर्मल बोलचाल के भाषा में हम लोग सॉल्ट सत्याग्रह को ही सविनय अवज्ञा मान लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब आप लोग ये तो हम लोग देख लिए, फिर हम लोग देखेंगे किस तरीके से सविनय अवज्ञा आगे बढ़ा है और कैसे वो पूरे भारत में बढ़ा है और उसके बाद उसका क्या रिजल्ट हुआ। ये उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ, बट फिर भी जो भी रिजल्ट हुआ वो देखेंगे और उसके बाद हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी देख लेंगे, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो कि हम मोबाइल में अपने फोटो खींच के रखे हुए हैं, तो यहाँ पे हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे। चलिए, यहाँ पे ये जो पहला टॉपिक है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का वो कंप्लीट होता है। ये आपको मदद करेगा पीटी में, किसी भी एग्जाम के पीटी में, प्लस अगर कोई एग्जाम जिसमें मेंस भी है तो वहां पे आपको यहाँ से पॉइंट्स मिल जाएगा। चलिए, यहाँ पे हम इस वीडियो को खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, थैंक यू।